तो गाइस ये -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है एंड इसका तापमान इतना कम हो गया था कि ये इसने बर्फ जमा दी। गाइस देख सकते हो आप, इसमें आइस जम चुकी है एंड ये काफी कूलिंग देता है गाइस। तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोगों का वेलकम है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में गाइस हमने लिक्विड कूलिंग सिस्टम बनाया है। हमने आपसे बोला था पिछले वीडियो में जब हमने वो बनाया था मोबाइल कूलिंग सिस्टम, कि हम एक लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी बनाने वाले हैं जिसको हम मोबाइल में भी यूज़ करेंगे अपने डिवाइस पे, ताकि डिवाइस अपना ज़्यादा हीट ना हो। तो ये देख सकते हो पूरा लिक्विड भरा हुआ है इसमें एंड ये एक मोटर है जो कि लिक्विड को इसमें पेल्टर मॉडल में पहुँचाएगी जो हमने नीचे वाला बनाया था उसमें, एंड उससे वापस रिटर्न होके और वापस उसी टब में चला जाएगा पूरा पानी, जिससे कि हमारा पेल्टर मॉडल गर्म नहीं होगा और ऊपर की तरफ ठंडा ही देता है। तो हमने इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई डाल दी है एंड आप देख सकते हो ग्रीन कलर का पानी पूरा रिटर्न होकर वापस उसी में आ रहा है, जिसके कारण पेल्टर मॉड्यूल नीचे वाली साइड से ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा, तो ऊपर वाली साइड ये बहुत ज़्यादा ठंडा ही देगा। देख सकते हो गाइस अब बहुत ठंडा हो चुका है एंड टू एंड एंड अभी हम इसमें गाइस बर्फ जमा के भी बताएंगे आपको कि कितना डिग्री तक ये कूलिंग दे देता है। तो हमने चेक किया था तो ये 14 डिग्री तक कूलिंग दे रहा है गाइस, अभी आपको चेक करके बताते हैं। तो सबसे पहले अभी हमें इसको स्टैंड पर लगा देते हैं मोबाइल को एंड गाइस आप देख सकते हो अभी हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो है 31 डिग्री अभी। तो जैसे हम अभी पेल्टर मॉड्यूल के ऊपर हम इसको लगाएंगे एंड इसको ऑन करेंगे हम पेल्टर मॉड्यूल को एंड हमारे पंप को, तो देख सकते हो गाइस अभी जैसे ही हम एंड इसको अब हमें इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी डालना होगा। हाँ ये देखो हम पानी डाल देते हैं थोड़ा सा ड्रॉप की मदद से एंड अब देख सकते हो गाइस आप इसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो आप 22-19 डिग्री तक पहुँच चुका है गाइस ये, अब देख सकते हो गाइस आप हमें थोड़ी देर चलाने के बाद इसका जो टेम्परेचर है सबसे कम टेम्परेचर -14.5 डिग्री तक पहुंचा था इसका ये। तो देख सकते हो गाइस आप 14 डिग्री तक की कूलिंग दे देता है हमारा पेल्टियर मॉड्यूल अगर इसे हम लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ में चलाते हैं। अगर हम जो हीट सिंक के साथ चलाएंगे तो हमें गाइस उसमें इतना कूलिंग नहीं मिलता है, क्योंकि हीट सिंक भी पूरी हीट हो जाती है इसलिए। एंड देख सकते हो गाइस आप अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है हमारा ये पूरा सिस्टम। तो गाइस आप भी बना सकते हो एंड इसकी फुल वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, फुल वीडियो प्रिपेयर करके इसका कि हमने क्या चीज़ कैसे बनाई है पेल्टियर मॉड्यूल वगैरह एंड ये सब कुछ। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना आप भी अच्छी लगी हो तो एंड आपको चेक करके बता देते हैं। ये देख सकते हो गाइस आप इसमें बर्फ़ जम चुकी है। हाँ ये देख सकते हो गाइस आप काफ़ी अच्छी तरीके से बर्फ़ जमा दी है गाइस इसने एंड ये देखो आप इसका टेम्परेचर 14 डिग्री तक पहुँच गया था आपको बताइए। तो गाइस आप भी यूज़ करके इसको बना सकते हो लिक्विड कूलिंग सिस्टम, जो कि आपके बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, जैसे कि आपके डिवाइस में या फिर आप इससे एसी टेम्परेचर मिनी एसी मतलब एंड फ्रिज वगैरह कुछ भी बना सकते हो। तो गाइस वीडियो को सब्सक्राइब मतलब वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।